लड़ैयोर सबसे बड़े लड़ैयोर है ओंगारा है ओंगारा ओंगारा। मनोज सिन्हा पूर्वांचल की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा। सबसे बड़े लड़ैयोर है सवाल वाले खतर करी ऐसा आदमी ने खतर करी मोदी खतर करी। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा विकास के दम पर गाजीपुर से एक बार फिर मैदान में हैं। मनोज सिन्हा यहां से 3 बार सांसद रहे और 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चल रहा है मनोज सिन्हा का चुनाव प्रचार। बीजेपी ने एक बार फिर से गाजीपुर से 3 बार से सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा पर दाव आजमाया है। हम गाजीपुर में मनोज सिन्हा का चुनाव प्रचार किस तरह से होगा वो हम आपको आज की रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ गाजीपुर का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प भी होगा क्योंकि महागठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी इस बार मनोज सिन्हा के सामने है। मनोज सिन्हा ने गाजीपुर के तमाम जो दावे पिछली बार किए थे 2014 के लोकसभा चुनाव में वो दावे कितने हुए, गाजीपुर का विकास कितना हुआ और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प रहेगा। सियासी लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। बात साल 2017 की है जब विधानसभा चुनाव के बाद उनका सूबे का सीएम बनना लगभग तय था, लेकिन कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के दबाव से आखिरी क्षण पर पूरा खेल बदल गया। बावजूद इसके पूर्वांचल की राजनीति में मनोज सिन्हा का कद बेहद बड़ा है। 1.5 दशक के बाद एक बार फिर से गाजीपुर में पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं क्योंकि पिछली बार जो 2004 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था रक्त रंजित इतिहास गाजीपुर का रहा, इसमें कई लोगों की मौत हुई, हत्या हुई, लेकिन इस बार मनोज सिन्हा का दावा है कि सरकार बदली है, सरकार बदलने के बाद गाजीपुर का विकास हुआ और गाजीपुर अब अपने नाम से अपने विकास के नाम से जाना जाता है और जनता का आशीर्वाद इस बार मिलेगा और 2004 में हुआ इसका बदला इस बार जनता वोट के जरिए जरूर देगी। चुनाव जीतने के लिए मनोज सिन्हा धुआंधार प्रचार में लगे हैं। उनकी गाड़ियों का काफिला एक गांव से दूसरे गांव पहुंचकर चुनावी हवा बीजेपी के पक्ष में बनाने में जुटा है। जनता भी उनकी जनसभाओं में खूब उमड़ रही है। एक बार फिर से कमल के फूल को खिलाने के लिए मनोज सिन्हा लगातार अपना कैंपेन जोरों से कर रहे हैं। आप देखते हैं कि मनोज सिन्हा छोटे छोटे गांव में भी जनसभा कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी ढील उनको भारी पड़े, सियासी तौर पर काफी बड़ा नुकसान उनको हो सकता है अगर इस बार मतदाता उनसे नाराज रहा, जैसे वो हर गांव के हर वार्ड वो जा रहे हैं। आप देखते हैं कि छोटी छोटी जनसभा है जहाँ पर मनोज सिन्हा पहुंचे हैं, ये उनका काफिला है मनोज सिन्हा का, यहाँ पर मनोज सिन्हा पहुंचकर फिर कुछ देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मनोज सिन्हा मंच पर आए तो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए गए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तो सबके मालूम है बात हमें इस मई की वोट पड़े वाला भला छोटा की करा एक बड़ा की को वोट है यो मालूम था राहुल बाबा वाली कांग्रेस ठीक है। अब बाकी जो चुनाव हो रहा था पार्टी तो क्यों 3 सीट पर रहा था, क्यों 37 सीट पर रहा था, क्यों 38 सीट पर रहा था, सरकार वाली हो गौर जगह पर 272 से ज्यादा एमपी रहे ठीक है ना। पहले तो सरकार बनाए के लेकर और चुनाव होना दूसरा जाने गलती से जीत के जाए लोग तो या तो कांग्रेस के संग खड़ा हो लोग और ना ही तक किनाई भी कह लोग ये ना हो तो ऐसा वोट ज्यादा का काम नहीं थे कि वोटो तो दिया या पता चल तो ज्यादा का जाके भी कहा गया ठीक है ना। 5 वर्ष पहले आप लोग हमके वोट दे के एमपी बनो या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनो सही ना। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में यकीन करती है, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के नाम पर भी वोट मांगे। खतर करी ऐसा आदमी ने खतर करी मोदी खतर करी। अब मनोज सिन्हा का काफिला दूसरे गांव पहुंचा, यहां उनके स्वागत में गाने बजाने का इंतजाम किया गया था। इस दौरान मनोज सिन्हा काफी देर तक मंच पर बैठे रहे और कार्यक्रम सुनते रहे। डेढ़
दशक के बाद एक बार फिर से गाजीपुर से मनोज सिन्हा और अफजल अंसारी आमने सामने हैं। जहां 2004 में की डेढ़ दशक पहले मनोज सिन्हा को करारी हार मिली थी, वहीं एक बार फिर से 2019 के चुनाव में दोनों आमने सामने हैं। और जो मनोज सिन्हा का दावा है कि गाजीपुर पहले था, वो अब काफी सालों में बदला और गाजीपुर की अपनी एक और जो करारी शिकस्त मिली थी, जनता तय करेगी अपना बदला 2004 के हार हुई थी उसका बदला 2019 में दे पाएंगे। मनोज सिन्हा जहां भी जाते थे भोजपुरी में भाषण दे रहे थे। मनोज सिन्हा इतनी सरल तरीके से अपनी बात कह रहे थे जिससे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक एक व्यक्ति से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हों। अपने भाषणों में उन्होंने बड़ी आसानी से उज्ज्वला से लेकर CFL बल्ब बांटे जाने की बात लोगों को समझाई और दावा किया कि अगर वो और मोदी जी रहे तभी योजनाएं पूरी होंगी और इलाके का विकास होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 4553 रेलगाड़ी गाजीपुर सिटी स्टेशन के लिए रवाना होने वाली है। लीक लगा ना, बम्बई में ना बोला था, दिल्ली में बोला था, कलकत्ता में बोला था, सूरत में बोला था, लखनऊ में बोला था। अजय जात है जय माता दी करे वैष्णो देवी तो कटारों में बोला था ना। मनोज सिन्हा ने यह भी दावा किया कि उनके रहते ही गाजीपुर में सड़कों का जाल बिछा और कई ट्रेनें भी गाजीपुर को मिली। 138 करोड़ मनोज सिन्हा को सुनने आए लोगों से हमने भी जाना कि वो सिर्फ उन्हें सुनने ही आए हैं या वोट भी देंगे। हमने वोटरों से जाना कि सांसद मनोज सिन्हा लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे के आधार पर वो वोट डालेंगे और क्या गाजीपुर में जो विकास की बात बीजेपी के द्वारा कही गई थी वो कितना यहाँ पर धरातल पर उतरा। क्या लगता है कि गाजीपुर में विकास हुआ है? बिल्कुल सर, जब से मनोज सिन्हा जी यहाँ के सांसद हुए हैं यहाँ विकास काफी हुआ है भाजपा की सरकार में, और यहाँ पे जितने भी जो है स्टेशन पे जो है सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, काफी ट्रेनें जो है यहाँ से संचालित हो रही हैं अन्य राज्यों के लिए, तो निश्चित रूप से विकास हुआ है। क्या कौन कौन से काम हुए हैं यहाँ पर जो युवाओं को जिससे फायदा मिला हुआ? युवाओं को बहुत सारे फायदे मिले हुए हैं, जैसे इसमें क्या बोलते हैं आने जाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक तमाम विकास हुए हैं इसमें। भैया हाँ जी, युवाओं अरे और किसानों के लिए फायदा हुआ, किसानों के लिए श्री श्री मनोज सिन्हा जी ने मोबाइल वाड़ी का जो कार्यक्रम किया है जो कि किसानों पर निर्धारित है, जो हमेशा मौसम का हालचाल और बाकी जो योजनाएं चलती है उसके बारे में हमेशा बताती रहती है, जो कि मैं हमेशा सुनता रहता हूँ उसके बारे में। हम तो इससे फायदा है, लेकिन हमारे गांव में 15 सालों से बढ़ती हुई एक नाली है जो कि 15 सालों से जर्जर हो गई है, एकदम बिगड़ गई, आधे गांव के पानी वहां पे है, वो कभी आज तक नहीं बनी है, जो कि हम लोग उसको बनाने के लिए कितना एप्लीकेशन दिए, कितना दावे किए, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मनोज सिन्हा जी काम किए हैं ये हम मानते हैं, बट ये काम हम लोगों के गांव का नहीं हुआ, आधे गांव का पानी फंसा है वहाँ पे, और बाकी लोग भी हैं जो कि हमेशा मतलब इससे जूझते रहे इस प्रॉब्लम से। आपको लगता है कि जो गाजीपुर की जो अब जाकर बन गई? हाँ हाँ बिल्कुल बन गई है, पहले से बहुत बेहतर काम हुआ है। गाजीपुर को जब हम लोग कोई बाहर जाते थे गाजीपुर को इस तरह पहचाना जाता था, लोग पूछते थे, हम लोग शर्म के मारे बताते बनारस में रहने वाले हैं, लेकिन आज की डेट में हम जहाँ भी जाते हैं डंके की चोट पे कहते हैं तो गाजीपुर पहला वो बनारस वाला गाजीपुर, इससे पहचान नहीं जाते हैं। गाजीपुर पहचान 100% बढ़ी है पहले से, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, हर क्षेत्र में रोड से लेकर। सपा बसपा वाले तो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, सपा बसपा वाले जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हमारे क्षेत्र का और गाँव का और देश का विकास हुआ है। जो हमारे जिले के सांसद मनोज सिन्हा जी हैं वो गाजीपुर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। धीरे धीरे शाम हो रही थी लेकिन मनोज सिन्हा का काफिला आगे बढ़ रहा था। इस बीच हमने उनसे बात करने की कोशिश की और जाना कि आखिर जनता उनको वोट क्यों दे। रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। गाजीपुर से मैदान में है, लगातार उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारे साथ मनोज सिन्हा जी। मनोज जी, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, कितनी गर्मी है इस बार के चुनाव?
मौसम में भी गर्मी है और मुझे लगता है कि चुनाव में भी गर्मी है, और चुनाव की गर्मी मोदी जी के काम को लेकर के है। लोग ज्यादा उत्साहित होकर 2014 से ज्यादा बहुमत नरेंद्र मोदी जी को फिर से देने के लिए मन बना चुके हैं। गाजीपुर के हिसाब से बात करें, गाजीपुर में 2014 में जो आपने वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? गाजीपुर की शक्ल बदलने की बात आपने कही थी, वो कितना हुआ? मुझे लगता है कि ये प्रश्न मेरी बजाय आप यहाँ के लोगों से पूछिए, उत्तर आपको मिलेगा। यहाँ के तो लोगों का कहना है कि काफी काम हुआ है लेकिन अभी और भी होना बाकी है, तो क्या लगता है कि वो जो उनकी उम्मीदें हैं वो माहौल उस हिसाब से बना है उम्मीदों? 5 साल में बड़ा बदलाव मैं मानता हूँ हुआ है। सामान्य आदमी कुछ हो नहीं सकता है कि भाव से निकलकर ये भी हो सकता है तक पहुंचा है। ये 5 वर्ष की उपलब्धि है और मैं मानता हूँ कि यही उम्मीद जगाता है लोगों की कि नहीं, आने वाले समय में इससे तेज गति से और आगे काम होगा। लेकिन एक महागठबंधन आपके सामने है, उन्होंने प्रत्याशी भी अफजल अंसारी को दिया है, कितनी बड़ी चुनौती उसको आप देखते हैं महागठबंधन के तौर पर? क्योंकि सारा वोट जो पहले 2014 में बिखरा हुआ था वो एकजुट होता हुआ। मैं कोई चुनौती गठबंधन की नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि गाजीपुर के लोग इस बार विकास की राजनीति को अपना आशीर्वाद देंगे और उनके मन में एक प्रबल आकांक्षा है कि गाजीपुर भी एक सुंदर और विकसित जिला बने। मुझे लगता है गाजीपुर के प्रबुद्ध मतदाता निश्चित रूप से विकास की राजनीति को अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं। गठबंधन कोई चुनौती नहीं है। लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि उनकी गिनती 9 लाख के वोटों से शुरू हो रही है। ये तो 23 मई को पता लग जाएगा गिनती कितने शुरू हो रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह का वातावरण में देख रहा हूं, जाति दलीय और मजहबी सभी दीवारें गाजीपुर में टूट गई हैं। हर वर्ग का अपार स्नेह और समर्थन मुझे प्राप्त है और आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर गाजीपुर लोकसभा सीट पर विजय दर्ज करेगी। लेकिन 2004 में अफजल अंसारी आपके सामने थे और गाजीपुर जो अपनी सभाओं में भी बार बार वो इस बात को उठा रहे कि 2004 का इतिहास गाजीपुर की जनता फिर से दोहराएगी। हाँ, 2004 का इतिहास मैं समझता हूँ कि गाजीपुर का एक काला पन्ना है जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मतदान के दिन ही कुछ हत्याएं हुई थी और उसके बाद हत्याओं का एक बेअंत सिलसिला अफजल अंसारी और उनके परिवार ने चलाया था और उस समय का पूरा प्रशासन उनकी मदद में जुटा हुआ था। अब 2004 और 2019 के बीच गंगा जी में पानी बहुत ज्यादा बह गया है। अब सरकार ऐसी है जो अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करना जानती है और मैं समझता हूं कि गाजीपुर में जो काम पिछले 5 वर्ष में हुए हैं, गाजीपुर के लोगों ने उस काम की सराहना ही नहीं की, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और आशीर्वाद देंगे। एक आरोप और लग रहा है जो विपक्ष आपके ऊपर लगा रहा है कि आपकी 5 साल की सरकार रही, आप केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन जो चीनी मिल है, शुगर मिल, वो वहां पर काम नहीं हुआ। रोजगार मेला आपने लगाया लेकिन रोजगार उतना लोगों को नहीं मिला, बेरोजगारी काफी ज्यादा है, किसान परेशान है। नहीं, मुझे लगता है कि किसान की आमदनी बढ़े इसके लिए कई उपाय हमने किए हैं और परिसबुल कार्गो सेंटर जो गाजीपुर घाट पर बना है तो गाजीपुर के किसान की मटर और मिर्च दुबई जाकर बिक रही है और रोजगार मेले में 7,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिला। इसके अलावा दुनिया की मानी जानी और देश की अनेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने आकर के लोगों को यहां से सिलेक्ट हुआ है। यह सच है कि कृषि ही मुख्य रूप से यहां के आमदनी का जरिया है तो बेरोजगारी है, लेकिन मैंने शिद्दत से प्रयास किया है कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। मैं मानता हूं कि उसमें काफी हद तक हमने सफलता पाई। रेलवे के अनेक पीएसयू ने अपनी यूनिट्स की स्थापना की है, उसके कारण भी लोगों को रोजगार मिला है। 4 और 6 लेन की सड़कें बन रही, गंगा नदी पर रेल कम रोडब्रिज बन रहा है, रेल लाइनों का दोहरीकरण विद्युतीकरण हो रहा है, तो ये सब रोजगार ही पैदा कर रहे हैं, इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है। अब विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो झूठ बोलना ये उनके स्वभाव में है और वही कर रहे हैं। आपका भाषण मैं सुन रहा था मनोज जी कि गाजीपुर की जो एक पहचान है कि बांद्रा स्टेशन पर भी खड़े हो जाओ तो वहां 6:53 पे आवाज लगती है कि गाजीपुर जाने वाली ट्रेन तैयार है, चाहे कटरा चले जाओ, तो कितना
ये शक्ल अख्तियार जो हुई है गाजीपुर की जो पहचान बनी है, क्या आपको लगता है कि जनता उस पर भरोसा करेगी? क्योंकि चुनाव में एक बात आम है कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता, वोट वापस लौटकर जब चुनाव का समय आता है तो जात धर्म पर बढ़ जाता है। मैं इस राय से सहमत नहीं। मैं मानता हूं कि विकास पर वोट है और गाजीपुर के लोगों में एक नए प्रकार की आकांक्षा विकास को लेकर के पैदा हुई है, क्योंकि इन्होंने 60-65 साल तक देखा ही नहीं था कि चीजें हो कैसे सकती हैं। और मुझे लगता है कि 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में और गाजीपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है। और मैं मानता हूं कि जनता मोदी जी के विकास के कामों के आधार पर फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने जा रही है। महागठबंधन की जो बुनियाद है सिन्हा जी, वो अल्पसंख्यक वोटों के ऊपर है, वो दलित वोट और जो पिछड़ा यादव वोट है उसके ऊपर है। जब वो एक तरफा पड़ेगा तो लगेगा नहीं बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती, और आपके क्षेत्र में तो काफी बड़ी संख्या इस पूरे वोट बैंक की है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जातीय, दलित और मजहबी सभी दीवारें गाजीपुर में टूट गई हैं, और मुझे गर्व है कि काफी संख्या में यादव बंधु हमको वोट करेंगे, अनुसूचित वर्ग के लोग भी भारी संख्या में वोट करेंगे, और अल्पसंख्यक समाज का भी एक बड़ा तबका मेरे साथ रहेगा और मुझे वोट करेगा। लेकिन गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो इस आधार पर वोट मांगते भी आ रहे हैं, चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई भी की है कि अल्पसंख्यक एक मुस्त होकर वोट दे, वहीं अखिलेश भी ऐसे बयान देते आए हैं, अब्दुल्ला जो आजम खान है वो भी ऐसे बयान देते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि इन लोगों को चुनाव आयोग के निर्देशों को एक बार पढ़ना चाहिए। मैं इस आधार पर वोट नहीं मांगने जा रहा हूं, मैंने जो काम किया है मैं उसी आधार पर, और मोदी जी की सरकार ने जो काम किया इसी आधार पर वोट मांगूंगा, और मैं आश्वस्त हूं कि काम के आधार पर, राष्ट्र की सुरक्षा के आधार पर, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। पूर्वांचल की हाई प्रोफाइल सीट गाजीपुर दो बड़े नेताओं का कद तय करेगी। इस बार यहाँ पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच ही मुकाबला है। एक और मनोज सिन्हा है तो गठबंधन ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पर दांव लगाया है। अफजाल 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। देखना होगा कि गाजीपुर के 18 लाख से अधिक मतदाता 19 मई को किसके पक्ष में वोट करेंगे।